अब हालांकि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे पुरानी है, लेकिन अगर आप पावर और टॉर्क आउटपुट की बात करें तो पावर और टॉर्क आउटपुट इस गाड़ी में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 लीटर डीजल V6 इंजन मिलता है, ऑफकोर्स ये टर्बो डीजल इंजन है, और पावर आउटपुट यहाँ पर आपको मिलता है 302 HP का, और टॉर्क जो है वो है 689 Nm। अब अगर ये टॉर्क आप देखेंगे और इसे कंपेयर करेंगे मर्सिडीज एस क्लास या BMW 7 सीरीज से, तो वहाँ पर आपको टॉर्क 600 और 620 Nm मिलता है, तो टॉर्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 0 to 100 ये गाड़ी करती है 6.2 सेकेंड्स में, जो कि काफ़ी क्विक है। इस गाड़ी का जो भार है वो ऑलमोस्ट 1900 kgs है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी क्विक टाइम है। टॉप स्पीड भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, 250 km/h पे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड कर दिया गया है ताकि गाड़ी को आप उस स्पीड से ज़्यादा लेकर के जाने की कोशिश ना करें। ट्रांसमिशन जो है यहाँ पर 8-speed ट्रांसमिशन है, ZF का 8-speed ट्रांसमिशन काफ़ी और गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी स्मूथ ट्रांसमिशन है, काफ़ी क्विक भी है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मर्सिडीज़ के 9G ट्रॉनिक से, तो मेरे ख्याल से वो वाला ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा स्मूथ है और वहाँ पर चेंजेस जो है वो ज़्यादा इम्परसेप्टेबल होते हैं, यानी कि आपको समझ में नहीं आता कि कब चेंज हो गया, तो स्मूथनेस वहाँ पर ज़रा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर भी शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है, सबसे फास्ट ट्रांसमिशन नहीं है लेकिन काफ़ी स्मूथ है, और आप मैनुअल गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, और इस स्पेसिफिक मॉडल में XJ50 में आपको एनोडाइज्ड पैडल्स मिलते हैं, तो ये खास बात है यहाँ पर, ये आपको नॉर्मल XJ के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये जो एल्यूमिनियम पैडल्स हैं, जो एक मेटालिक फील है, वो यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं, आपको विंटर मोड मिलता है जो कि यहाँ पर तो ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन अगर सड़क पर बर्फ़ जमी हुई है जहाँ पर आपको ट्रैक्शन चाहिए और बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप विंटर मोड काम में ले सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल मोड है, और आपके पास डायनामिक मोड भी है जहाँ पर आपको स्टीयरिंग पर ज़्यादा भार मिलता है, आपका जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा क्विक हो जाता है, और उसके अलावा आपका जो इंजन है उसका मैपिंग भी ज़रा चेंज हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपको परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ से भी आप ट्रांसमिशन को चेंज कर सकते हैं, गियर सेलेक्टर लीवर पर भी एक स्पोर्ट मोड है जहां पर आप अगर इसे स्पोर्ट मोड में डाल देंगे तो ट्रांसमिशन जो है और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और उसके बाद जो गियर्स हैं वो अपशिफ्ट नहीं होते हैं, जो गाड़ी है वो रेव्स को होल्ड करती है, और अगर आप सपोज़ कीजिए सेकंड गियर में है या फिर थर्ड गियर में है, तो गाड़ी सेकंड गियर में ही ऑल द वे टू 4700 RPM जो कि इसकी रेड लाइन है वहां तक जाएगी और वहां पर होल्ड करेगी सेकंड गियर को, अप शिफ्ट नहीं करेगी थर्ड गियर में। और इसी तरह से अगर आप आगे वाले गियर्स में भी रेव्स को होल्ड करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट ट्रांसमिशन मोड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टीयरिंग है, ये 3-spoke स्टीयरिंग जो है ये काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, ये पूरी तरह से लेदर कवर्ड है। आपका जो नॉर्मल XJ है वहाँ पे आपको यहाँ पर एक वुड वनियर मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर कवर्ड है। और ये स्टीयरिंग व्हील अपनी श्रेणी में जितने भी और स्टीयरिंग व्हील्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा लगता है होल्ड करने के लिए, काफ़ी नेचुरल लगता है। इसमें वेट जो है वो काफ़ी नेचुरल है, उसके अलावा जो उसका फील है अराउंड कॉर्नर्स वो काफ़ी न्यूट्रल है, काफ़ी नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जनरली गाड़ियों में स्टीयरिंग को भार देने के लिए एक आर्टिफिशियल सा वेट डाल देते हैं जो कि काफ़ी नेचुरल नहीं लगता है, लेकिन वैसा इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी एब्जॉर्बेंट है ये गाड़ी, और ख़राब रास्तों के ऊपर जो अंडुलेशंस हैं, जो इम्परफेक्शन्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। अब इस इंजन की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि पेपर के ऊपर यहाँ पे पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा लीनियर है। अगर आप इसे नॉर्मल ड्राइव मोड में चला रहे हैं और पार्ट थ्रॉटल यूज़ कर रहे हैं तो ये अक्सर 2000 RPM के नीचे ही अपशिफ्ट कर देगा, और उस लिहाज से फ्यूल तो बचाएगा, काफ़ी स्मूथ भी लगेगा, लेकिन जो एक पंची कैरेक्टर होता है इंजन का, जहाँ पर आपको एक्सेलरेटर पेडल दबाते ही ऐसा लगे कि गाड़ी गोली की तरह छूट करके सामने जा रही है, जो एक सर्ज होता है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील नहीं होगा। अगर आप 7 सीरीज चला रहे हैं तो वो सेंसेशन जो है स्पीड का, जो एक्सेलरेशन का, वो वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा वो गाड़ी ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्विंग भी लगती है चलाने में। यहाँ पे हालांकि डायनामिक्स बड़े अच्छे से सॉर्टेड है, थोड़ा सा ओवरस्टीयर है जब आप इसे ज़्यादा ज़ोर से कॉर्नर्स पर चलाते हैं, ज़्यादा फास्ट जाते हैं, तो एक हल्का सा ओवरस्टीयर आपको महसूस होगा, क्योंकि बड़ी लंबी गाड़ी है और ये रेयर व्हील गाड़ी है, तो एक हल्का ओवरस्टीयर का सेंसेशन आपको डेफिनेटली आएगा। तो काफ़ी अच्छे से रैप करती है अपने आपको चारों तरफ, आपके इतनी लंबी और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसे आप इजीली कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसका साइज़ आपको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसे एस क्लास और 7 सीरीज़ से कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों ही गाड़ियाँ इससे ज़्यादा इन्वॉल्विंग है चलाने के लिए, खास करके जो 7 सीरीज़ है वो इससे ज़्यादा इन्वॉल्विंग मुझे लगती है। लेकिन सस्पेंशन यहाँ पर बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें जहाँ पर इस की उम्र अब दिखने लगी है वो इसका NVH कंट्रोल है। मेरे ख्याल से कुछ कुछ टायर नॉइस अंदर आती है, हल्की फुल्की विंड नॉइस भी अंदर आती है। उसके अलावा जो इंजन है उसका भी बड़ा माइल्ड सा ड्रोन आपको अंदर सुनाई देता है। तो ये जब रिफाइनमेंट की बात आती है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से जो जर्मन्स हैं उन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, और वहाँ पर
आपको रिफाइनमेंट लेवल्स, जो सोफिस्टिकेशन है, वो इस गाड़ी से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज अगर इस गाड़ी को आप चलाएंगे तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये पुराने दौर की गाड़ी है। ये इस सेगमेंट में अपने होने का दावा काफ़ी अच्छे से करती है और इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो फील है, वो इस सेगमेंट में जिस तरह की गाड़ी का होना चाहिए आज भी वैसा ही है। कुछ पुरानी हो गई है लेकिन आज भी शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। एक और जो बहुत ज़रूरी बात, और ख़ास करके हम लोग इंडियंस को जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। तो ARAI का जो फ्यूल एफिशिएंसी सर्टिफिकेशन है इस गाड़ी का, वो है 12.9 किलोमीटर्स टू द लीटर, जो कि काफ़ी अच्छा है इस तरह के इंजन के लिए। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि ARAI का जो सर्टिफिकेशन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी देखेंगे तो हमेशा करेक्ट नहीं होता है। इस गाड़ी का जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और सिटी में ये गाड़ी आपको 8 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर देगी अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो। और हाईवे पर अगर आप इसे हल्के राइट फुट के साथ चलाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं, तो आपको 10 से 11 का फ्यूल एफिशिएंसी देगी, और अगर आप बहुत ही माइल्डली क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 12-13 का फ्यूल एफिशिएंसी भी दे सकती है हाईवे पे। तो इतने बड़े इंजन के लिए, एक 3 लीटर V6 के लिए जो कि 300 HP और ऑलमोस्ट 700 न्यूटन मीटर्स बनाता हो, उसके लिए ये फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, और किफ़ायत के हिसाब से ये आपको लंबे वक्त में काफ़ी फ़ायदा देगी। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है यहाँ पर फुली डिजिटल है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एनालॉग एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। जो रिचनेस है इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, मेरे ख्याल से और अच्छी हो सकती थी, ज़्यादा हाई डेफिनेशन हो सकता था। ज़रा डर लगता है मेरे ख्याल से, जो दूसरे कार्स आ रहे हैं अभी इस सेगमेंट में वहाँ पर ज़्यादा ये रिच है। और इसके सारे फीचर्स मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। अब कुछ चीज़ें मैं आपको इस डैशबोर्ड और इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बताना चाहता था, और ये मैं रात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रात को इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा निखर के सामने आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो साधारण सी दिखने वाली क्लॉक थी, ये किस तरह से क्रिस्टल्स की तरह चमक रही है रात को, और ये लाइट ब्लू शेड जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अपने आप में डैशबोर्ड और ये सेंटर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस सेगमेंट की कुछ दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, जैसे कि मर्सिडीज एस क्लास के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, बहुत सारे कलर्स में से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 7 सीरीज़ को देखेंगे तो सनरूफ के अंदर वहाँ पर आपको बहुत सारे इल्यूमिनेटेड स्टार्स जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि एक स्पेशल फीलिंग देते हैं आपको। तो अगर आप उन कार से इसे कंपेयर करोगे तो ज़रा फीकी पड़ जाती है, लेकिन अपने आप में फिर भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग आपको नहीं मिलती है, तो ये एक कमी है इस तरह की गाड़ी के लिए। तो हम लोग अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, और ये जो पार्ट है स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स का, यहाँ से ये सारे जो आपके कंट्रोल्स हैं इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वाला जो पैनल है यहाँ पर, जो आप जैगुआर का लोगो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। तो जो सबसे पहला पैनल है वो है डिस्प्ले का, और आपको उस मेन्यू के अंदर घुसने के लिए राइट वाला बटन दबाना होता है, और आप चाहें तो इसे ऑडी के वर्चुअल कॉकपिट की तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे फुल मैप मोड में डाल दिया है। उसके अलावा ये जो टॉर्च इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये टॉर्च इफेक्ट ये सारे नंबर्स को हटा देता है और इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को थोड़ा मिनिमल कर देता है, लेकिन जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं जहाँ भी सुई पहुँचती है वो वाले जो पार्ट्स हैं वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं, तो काफ़ी ड्रामेटिक सा इफेक्ट आपको मिलता है। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि अगर आप डायनामिक मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ज़्यादा स्पोर्टी और थोड़ा सा लाल रंग लेकर के ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है आपको, तो ये भी एक ध्यान देने लायक चीज़ है। उसके अलावा हम लोग डिस्प्ले मोड देख रहे थे, यहाँ पर आप चाहें तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की थीम है इसे अलग अलग तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निकल थीम है, ये ग्राफिकल थीम है, और ये मिनिमल थीम है जहाँ पे बाकी सब कुछ हट जाएगा। तो यहाँ से आपको किस तरह से आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखना है वो चूज़ कर सकते हैं। यूनिट्स आप चूज़ कर सकते हैं, आपको किलोमीटर पर आवर चाहिए या फिर माइल्स पर आवर चाहिए, उसी तरह से लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं। ट्रिप के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप ट्रिप बैंक चूज़ कर सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कौन सी ट्रिप से देखनी है, ट्रिप ए से या ट्रिप बी से, या फिर अगर आपको ये चाहिए कि गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली जो करंट ट्रिप है उससे आपको दिखाए तो आप ऑटो ट्रिप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर असिस्टेंस में लेन कीप असिस्ट मिलता है, जो कि आपको गाड़ी को उसकी लेन में रखने के लिए सहायक होता है। अब इसे आप चाहें तो इस तरह से सेट करें कि स्टीयरिंग जो है वो आपको असिस्ट करे, यानी कि जब आपकी गाड़ी लेन से बाहर निकले तो स्टीयरिंग खुद ब खुद थोड़ा टर्न होकर के गाड़ी को वापस लेन के अंदर ले आए, या फिर अगर आप ये नहीं चाहते कि गाड़ी खुद ब खुद टर्न करे तो आप स्टीयरिंग वाइब्रेट चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर गाड़ी खुद अपने आप को स्टीयरिंग नहीं करेगी, लेकिन अगर आप लेन से वेयर ऑफ हो रहे हैं तो स्टीयरिंग वाइब्रेट होने लगेगा। फेवरेट्स के अंदर आपके जो फेवरेट रेडियो चैनल हैं वो आपको नज़र आएंगे, और सोर्स में से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से सोर्स से आपका जो ऑडियो या फिर इंफोटेनमेंट है वो
बजाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। व्हीकल इन्फो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इन सब में आपका टायर इन्फॉर्मेशन होता है कि आइडियल टायर प्रेशर क्या होना चाहिए और करंट टायर प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप ऑयल लेवल देख सकते हैं और व्हीकल का आपका जो VIN नंबर है वो भी देख सकते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आप सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर जाएंगे तो आप अलार्म सेंसर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑडिबल लॉक वार्निंग आपको मिलेगी। दो स्टेज अनलॉकिंग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत अगर आप अपनी चाबी को लेकर के आते हैं और डोर जो ओपन होता है, तो अगर आपकी टू स्टेज अनलॉकिंग इनेबल्ड है तो पहले सिर्फ ड्राइवर का लॉक खुलेगा, उसके बाद ड्राइवर को अंदर आकर के बाकी सारे डोर जो हैं अनलॉक करने पड़ेंगे। अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो सारे ही डोर्स आपको चाबी देख करके एक्सेस दे देंगे। इसके अलावा ड्राइव अवे लॉकिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आप स्पीड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी स्पीड सेट करेंगे तो जो डोर्स हैं वो तभी लॉक होंगे जब गाड़ी उस स्पीड पर पहुँचेगी। कन्वीनियंस फीचर्स में भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर जब आप रिवर्स करते हैं तो मिरर्स को डिप कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑटो हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। वाइपर्स के लिए भी सेटिंग्स हैं। गियर शिफ्ट पैडल्स जो हैं इन्हें भी आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि या तो वो सिर्फ स्पोर्ट मोड में चलें या फिर स्पोर्ट और ड्राइव मोड दोनों में ही चलें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फीचर्स और भी मिलती हैं। और अब हम लोग वापस आ गए हैं डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं। तो क्या आज के दौर में सन 2019 में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? इस गाड़ी को लॉन्च होकर के आज 11 साल हो चुके हैं और बीच में कुछ फेसलिफ्ट्स आए हैं, लेकिन इसका जो नया अपग्रेडेड वर्जन है वो अभी तक नहीं आया है। तो इस गाड़ी की जो उम्र है वो कुछ कुछ दिखने लगी है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मर्सिडीज़ एस क्लास से या फिर BMW 7 सीरीज़ से, तो कुछ जगह पर आपको जो फ़र्क है साफ साफ नज़र आएगा। आपको अंदर की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और उसके अलावा जो एज है गाड़ी की, वो चलाते वक्त भी आपको कुछ कुछ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि लग्जरी के लिहाज से आज भी ये गाड़ी अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे अगर आप बैठे हैं तो आपको उन दोनों गाड़ियों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप जब इसका फॉर्म देखेंगे, जब आप इस गाड़ी को बाहर से इसका एक्सटीरियर देखेंगे, तो आज भी इसका जो स्ट्रीट प्रेजेंस है, जो रोड प्रेजेंस है, वो मेरे ख्याल से बहुत विशिष्ट है। ये एक जैगुआर है, तो एक आम इंसान के मानस में, खास करके इंडिया में, जो एक इमेज होती है गाड़ी की, इस गाड़ी की ज़्यादा प्रीमियम है। सबसे बड़ी बात, ये ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा वाइड है, तो ज़्यादा इम्पोजिंग लगती है सड़क के ऊपर। और जब एक जैगुआर XJ जाती है तो एक ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट बनाती है बनस्पत एस क्लास या फिर 7 सीरीज़ के। ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन है इंडियन लोगों का, और ये बात सच है। लेकिन एक और जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि ये गाड़ी पुरानी होने के कारण अब जो बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे सस्ती है, और इस गाड़ी की ऑन द रोड प्राइस जो है 1.31 करोड़ रुपीज़ है। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मर्सिडीज़ एस क्लास से या फिर 7 सीरीज़ से, जो इसके इक्विवेलेंट मॉडल्स हैं, आपको 30 लाख रुपये यानी कि 30 लाख रुपीज़ कम देने पड़ते हैं, तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत बड़ी होंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको पोटेंट इंजन मिलता है, परफॉर्मेंस इसका किसी भी दूसरी कॉम्पिटिटर गाड़ी से कम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो अगर सबसे मॉडर्न लेटेस्ट गाड़ी खरीदना आपका प्रायोरिटी नहीं है, तो आज भी जैगुआर XJ बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा क्लासिकली स्टाइल्ड है। और अगर आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, अगर आपको ये चाहिए कि लोगों को मालूम पड़े कि आप आए हैं, तो जैगुआर XJ जैसी दूसरी गाड़ी आज भी इस सेगमेंट में नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको वो सब बता पाया जो आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते थे। फिर भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, हम लोग सब जगह हैं, वहाँ पर हमारे अपडेट्स और भी जल्दी आते हैं। तो हम आपसे आशा करेंगे कि आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।